Today we will study chapter 9 urban livelihood. आज हम लोग chapter 9 में urban livelihood के बारे में पढ़ेंगे. Urban livelihood मतलब होता है शहरी जीवन में जीने की शैली, यानी शहर में जो है किस प्रकार लोग जीते हैं, उसको जीने का क्या तरीका है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहले देखना है द टर्म अर्बन लाइवहुड मीन्स ऑक्यूपेशंस पीपल फॉलो इन सिटीज एंड टाउन्स बाय विच दे अर्न अ लिविंग. कहने का तात्पर्य है कि अर्बन लाइवहुड का मतलब होता है कि वैसे काम धंधा या रोजगार जो लोग शहरी क्षेत्र में जाते हैं अपने रोजगार के लिए, अपने रोजगार को द्वारा धन पैसे जमा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए और कमाने के लिए, उसको कहा जाता है अर्बन लाइवहुड. नाउ अर्बन लाइवहुड ऑक्यूपेशंस इन अर्बन एरियाज कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड. अब होता है कि अर्बन एरिया में जो ऑक्यूपेशन होते हैं उसको भी कई एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. जैसा कि पहला है प्राइमरी ऑक्यूपेशन. प्राइमरी ऑक्यूपेशन पहली जो है काम धंधा या रोजगार क्या है. प्राइमरी ऑक्यूपेशंस आर दोज इन विच पीपल आर एंगेज इन डिराइविंग यूजफुल गुड्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, कैटल रियरिंग एक्सेट्रा. प्राइमरी ऑक्यूपेशन में क्या होता है कि वैसे लोग जो कि वैसे गुड्स का जो प्राकृतिक तरीके से जो गुड्स का यूज करते हैं, जैसे कि आपका हो गया एग्रीकल्चर यानी खेती के द्वारा जो वस्तु को उत्पादन करते हैं और उसे जो उसको अर्न किए जाते हैं उसको कहा जाता है प्राकृतिक रिसोर्सेस के द्वारा. फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फॉरेस्ट्री जंगलों से जाकर के लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लकड़ियों को काट करके शहर में जाके बेचते हैं और क्या करते हैं फिर जाकर के मछली पालन करना, मछली पकड़ना, उसको करना, बेचना और उससे भी वे क्या करते हैं रोजगार कमाते हैं यानी पैसे कमाते हैं. कैटल रियरिंग यानी मवेशियों को पालना, मवेशियों को पाल करके भी लोग जो क्या करते हैं एक रोजगार वे करते हैं और उससे भी उनको जो है इनकम होता है. दूसरा हो गया सेकेंडरी ऑक्यूपेशन. सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या आता है कि इन सेकेंडरी ऑक्यूपेशन पीपल आर इन्वॉल्व प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस इनटू यूटिलिटी गुड्स आइदर बाय हैंड्स और विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. यानी सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में क्या होता है कि वैसे काम धंधा जो कि लोग उस पर क्या करते हैं रॉ मटेरियल में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, यानी रॉ कच्चा पदार्थ वे लोग क्या करते हैं उसको उत्पादन करते हैं, या तो वह अपने हाथों के माध्यम से या तो वह मशीन के माध्यम से रॉ मटेरियल को उत्पादन करके उससे भी वह क्या करते हैं अर्न करते हैं, पैसे कमाते हैं. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बेकरीज, पेपर मिल्स एक्सेट्रा, इस तरह के जो काम धंधे होते हैं उसमें जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होते हैं यानी लोह और स्टील इंडस्ट्री को लगाना और उससे भी क्या करते हैं बहुत बड़े मात्रा में वहां पर क्या करते हैं मजदूर काम करके और जो है प्रोडक्शन करते हैं. बेकरीज यानी क्या करते हैं जिसको लोग पाव रोटी करते हैं वो जो है, या बिस्किट की जो कारखाना करते हैं उसको लगाना. पेपर मिल्स, पेपर मिल को लगाना और पेपर मिल के माध्यम से भी लगा करके उसमें बहुत सारे लोग रोजगार करते हैं और उसमें जो कंपनी होती है यानी जो मालिक होते हैं वे भी क्या करते हैं उनको भी इनकम होता है. तो ये जो है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है आपका शहरी क्षेत्र में जीने वाले लोगों का. तीसरा हो गया टर्टियरी ऑक्यूपेशन. टर्टियरी ऑक्यूपेशन क्या है, सम ऑक्यूपेशन वेयर नो गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बट पीपल ऑफर देयर सर्विसेस. यानी टर्टियरी ऑक्यूपेशन वैसे ऑक्यूपेशन होते हैं जहां पर किसी भी गुड्स का प्रोड्यूस नहीं होता है, जहां पर किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं टर्टियरी ऑक्यूपेशन कहते हैं. सच ऑक्यूपेशन आर कॉल्ड टर्टियरी ऑक्यूपेशन सच एज बैंकिंग, टीचिंग, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा. और इस प्रकार के जो ऑक्यूपेशन होते हैं उसमें बैंकिंग आता है, फिर आपका टीचिंग आता है,
और आपका हॉस्पिटल, ये सभी जो होते हैं आपका टर्टियरी ऑक्यूपेशन के अंतर्गत में आते हैं। और इस प्रकार से लोग जो है शहरी क्षेत्र में जो जीने वाले होते हैं उनके जो है रोजगार करने का ये तीन जो है माध्यम है, और इन तीनों माध्यम के द्वारा जो है अपने जीवन को वे सुचारू रूप से चलाते हैं। इसके साथ ही फिर हम लोग अब यह जो है सेकेंड क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे, और धन्यवाद।